हेलो गैज, आज हम आपको मात्र 30 सेकंड में परसेंटेज निकालना बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकलने वाला है। तो उसमें अगर किसी विद्यार्थी को 415 मार्क आता है तो उसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो 415 का परसेंटेज निकालने के लिए हम पहले इस तरह लिखेंगे और क्या करेंगे, इसका एक ट्रिक है, यही ट्रिक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 415 का मतलब गुना होता है और परसेंटेज निकालेंगे तो 100, और टोटल कितना मतलब मार्क का एग्जाम हुआ, 500 मार्क का एग्जाम हुआ, तो टोटल को नीचे में लिखते हैं। तो इस तरह 415 × 100 / 500 लिख दिए और 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 5 को 415 को काटेंगे तो 5 × 8 = 40 और 5 × 3 = 15। इस तरह हमारा 83% निकल के आ गया। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, अगर किसी विद्यार्थी को 415 मार्क आया है तो 83% टोटल हुआ। अब देखिए, अगर इसको 83% का हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर कोई लड़का बोलता है हमें 83% आया, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको 83% आया तो किस में से आया, तो 500 मार्क्स में से 83% आया इसको। तो 83% जो आया 500 में से, तो क्या करेंगे हम इसको 500 × 83 / क्या करेंगे, परसेंटेज को नीचे में देंगे। तो इस तरह 500 × 83 / 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, 1 = 41। तो इस तरह 415 मार्क निकल के आता है। अगर कोई परसेंटेज आपको बताता है तो आप इस तरह आप इसको मार्क निकाल सकते हैं, और या आपको मार्क का परसेंटेज निकालना है तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। इसका एक ट्रिक है, अगर आप निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, इस परसेंटेज का ध्यान रखेंगे, अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर में 100 लिखेंगे, मतलब परसेंटेज को ऊपर में लिखेंगे, और उसके बाद अगर वैल्यू निकालते हैं तो बट्टा में 100 लिखेंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, तो इसी तरह निकलता है। अगर हमारा वीडियो से आप कुछ सीखें तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।